फ्रेंड्स वेलकम टू फूड विध निमरा चैनल आज मैं आप सबके साथ मीठा मीठा ठंडा ठार दूध वाली शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से शरबत बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है तो बिसम रहीम के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं दूध वाला शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे तुख मलंगा को भिगो के रख रही हूँ तो मैं यहाँ पे वन टेबल स्पून के करीब तुख मलंगा ले रही हूँ आप लोग इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं इसमें हंसबे जरूरत हम लोगों ने पानी शामिल करना है और 10-15 मिनट के लिए इसको काउंटर पर ऐसे ही छोड़ देना है ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगा अब शरबत बनाने के लिए मैं यहाँ पे हाफ लीटर के करीब दूध शामिल कर रही हूँ दूध की क्वान्टिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको शरबत बनाना हो हंसबे ज़रूरत इसमें मैं ग्रीन सीरप शामिल कर रही हूँ ग्रीन सिरप आप लोग को इस भी ले सकते हैं और पाकोला अगर जो आप लोग को ईजिली मिल जाए आप लोग वो ले सकते हैं ग्रीन सिरप की जगह आप लोग कोई और फ्लेवर का सिरप भी ले सकते हैं ये मैंने हसबेंड जरूरत इसमें शामिल कर दिया है अब इसमें मिठास के लिए मैं तकरीबन यहाँ पे फोर टू फाइव टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ सीरप मीठा होता है इसलिए चीनी की क्वांटिटी आप लोगों ने अपने हिसाब से ही रखनी है ज्यादा पसंद हो ज्यादा ऐड कर दीजिए कम पसंद हो तो कम ऐड कर दीजिए अच्छे से हम लोगों ने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है चीनी को अच्छे से हम लोग डिजॉल्व कर लेते हैं हल कर लेते हैं आप लोग तो यहाँ पे ना टेट्रा पैक की कीजिएगा ना फ्रेश मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं अगर फ्रेश मिल्क नहीं तो फिर आप लोगों ने उसको पहले बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद उसको आप लोगों ने अच्छे से ठंडा कर लेना है फिर तमाम प्रोसेस आपने यही करना है चीनी अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है ये चेक कर लीजिए कि जो तुक मलंगा है वो भी अच्छे तरीके से फूल चुका है तो ये आप लोगों ने दूध में शामिल कर देना है और साथ ही इसमें हम लोगों ने हंसबे ज़रूरत बादाम पिस्तों को बारीक बारीक से कट करके ऐड कर देना है इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद हो बस ये दोनों चीज़ें डाल के भी आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं किया है क्योंकि मैं इसमें बर्फ़ शामिल करने वाली हूँ अगर आप लोग बर्फ़ शामिल करें तो पानी शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होगी तो वो पानी ही बन जाएगा अगर आप लोग पानी भी शामिल कर देते हैं बर्फ़ भी शामिल करते हैं तो फिर वो मज़े वाली बात नहीं बनी ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा दस सा शरबत रेडी हो चुका है अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी सब मुझे सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं दुआओं में याद रखिएगा